तो बहुत खुशी होती है। आज ये बड़ी होकर पापा बोलना सीखेगी, पर इसके पापा नहीं है। पापा कैसे बोलेगी किसको? मैं क्या जवाब दूंगी उसको? मेरे को ये भी नहीं पता अभी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान मेरी ना सोचे, मेरी बेटी की इतनी सोच ले, वो बड़ी होकर पापा बोलेगी, मुझसे पूछेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं। और मैं चुप रहूँगी बिल्कुल, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि पापा क्या होते हैं। वो सबके पापा को देखेगी, सबको देखेगी। मैं बस देखूँगी कि क्या बोलूँ मैं इससे, पर करूँगी। मैं कमी कुछ नहीं रहने दूँगी, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। आप लोगों मेरे साथ सब सपोर्ट करेंगे, पर मैं इसके लिए पापा तो नहीं ला सकती ना, और कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैं अच्छे से इसको पढ़ाऊंगी, सारी मेहनत करूंगी, सब कुछ करूंगी मैं इसके लिए। पर पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सपना और जीजा जी को लेके, क्योंकि आप लोग उनको बहुत चाहते हो, आप लोग उनको बहुत चाहते हो तो इसलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सपना चौधरी के पति राजवीर चौधरी का कार एक्सीडेंट में निधन हो चुका है, लेकिन इस पर कई लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि सपना चौधरी के भाई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में वो खुद बता रहे हैं कि जीजू अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके चैनल पर एक बंदा कमेंट करते हुए पूछता है कि सपना जी के बारे में कुछ बताओ, तो सपना के भाई ने कमेंट का रिप्लाई देते हुए कहा है कि ये बिल्कुल सत्य है कि अब जीजू हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि राजवीर चौधरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं।